सिर्फ इस एक भजन को सीखने में आपको बहुत सारे भजनों को बजाने में, बहुत सारे गीतों को बजाने में कामयाबी मिलेगी। ये भजन बिगनर्स के लिए इतना मददगार है कि रोजाना जब हम इसे बजाएंगे तो हमारा स्वर ज्ञान होने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ गायकी भी बढ़िया होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सीखो सरल हारमोनियम पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय, और आज हम ऐसा भजन सीखने जा रहे हैं, या कहें कि एक ऐसी प्रार्थना सीखने जा रहे हैं जिसमें हमें स्वरों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। स्वर ज्ञान के लिए भजन, या कहें कि ये प्रार्थना बहुत ही बेस्ट है, और साथ ही साथ जो लोग गाना गाने का भी अभ्यास करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। वो लोग भी इस भजन को सीखने के बाद अपनी गायकी में सुधार कर लेंगे। इस भजन को बहुत ही सोच विचार कर मैंने आपके लिए चुना है, क्योंकि इस भजन में वो सब कुछ है जो मुझे आपको सिखाना है। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपके लिए जो वीडियो बनाया था हारमोनियम सिखाने वाला, जिसमें मैंने सिखाया कि आप खुद से बजा सकते हैं, खुद से गाना निकाल सकते हैं और खुद से गा भी सकते हैं, तो उस वीडियो से ये वीडियो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि उस वीडियो से संबंधित ही कॉन्टेंट मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। उस वीडियो पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि कमाल की बात यह है कि इस भजन में सातों सुरों का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ तीनों सप्तक का भी इस्तेमाल हुआ है, और भजन जो है ये भी बहुत आराम आराम से गाया जाता है। यानी कि जो भी बिगिनर्स हैं या जो लोग भी उस हारमोनियम वाले वीडियो पर मेहनत कर रहे हैं, उन सब के लिए वो सब कुछ है इस भजन में जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब आप रोज सुबह इस भजन को बजाएंगे और गाएंगे तो आप समझ लेना कि आपका रोजाना स्वर ज्ञान में और गायकी में दोनों में ही सुधार होता चला जाएगा। ये भजन आपको रोज सुबह शाम एक बार जरूर प्ले करना है, इससे आपको कमाल का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये भजन आपके लिए जरूरी है सीखना। हारमोनियम वाले वीडियो के साथ साथ इस वीडियो से भी आपकी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होने वाली है, और साथ ही साथ रोजाना आप अपने ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे, आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ने देखो फिर से कितनी सारी बातें कर ली, मगर मैं आज भी आप लोगों से यही कहूँगा कि जिस दिन आप लोगों को इन बातों का महत्व समझ में आ गया, आप लोगों ने ये जान लिया कि किसी भी काम को करने से पहले उससे जो संबंधित बातें होती हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं, तो समझ लेना आप जिस काम को भी करोगे वो काम सफल ही होना है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रेयर बनाई गई है, ये बनाई गई है लता जी के एक बहुत सुपरहिट गाने बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, इस गाने से बनाई गई है। फिल्म का नाम है बैजू बावरा। संगीत प्रेमी जो हैं वो तुरंत समझ गए होंगे इस गाने को, तो इस गाने की धुन पर ये प्रेयर बनाई गई है। बहुत ही हिट गाना है ये, और ये जो भजन बनाया गया है ये भी बहुत हिट हो चुका है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ इस प्रेयर को बुना गया है। तो ये हम सीखेंगे स्टैंडर्ड स्केल से, यानी कि बिगनर्स के स्केल से, पहली काली से, यानी कि पहली काली को सा मानकर हम सीखेंगे। तो हमारा स्केल क्या होगा? सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो पहली काली को सा मानकर सीख रहे हैं। वेस्टर्न म्यूजिक अकॉर्डिंग ये हमारा सी शार्प भी कहलाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत के हिसाब से कॉर्ड में स्वर कौन से होंगे? सा गा पा। गा शुद्ध क्यों है? क्योंकि मेजर स्केल है, सी शार्प मेजर स्केल है, इसलिए जो गा है वो हमारा शुद्ध इस्तेमाल होगा। कॉर्ड्स की पूरी जानकारी सरल भाषा में आपको फाइनल वीडियो में भी मिलने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचने वाली जो आपकी सीखने की ना हो, उसमें सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। तो जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, वो है भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। आप बहुत ध्यान से सुरों को देखिए और उनकी जो आवाज़ है उनको महसूस करिए। सा रे सा रे गा मा। मेरी फिंगर से उतार चढ़ाव को महसूस करिए, ध्यान से देखिए फिंगर को मेरी। सा रे गा मा। आज का ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ गाने का ट्यूटोरियल या सिर्फ भजन का ट्यूटोरियल नहीं है, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ये सोच के ना देखें कि बस जल्दी से आपको वो भजन सीखना है, ठीक है, ये सोच के इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो में मैं बहुत सारी बारीकियां आपको ऐसी सिखाने वाला हूं जो आपके लिए हारमोनियम को अच्छे से सीखने में, स्वरों को अच्छे से जानने में और उतार चढ़ाव को अच्छे से समझने में मदद करेंगी। तो इसलिए सिर्फ आपको ये सोच के नहीं इस वीडियो को देखना है कि मुझे बस फटाफट भजन को सीखना है, ठीक है, इस वीडियो को बहुत धैर्य के साथ आपको देखना है, क्योंकि मैं हर लाइन को बहुत गहराई से बताऊंगा, हर लाइन में मैं स्वरों के उतार चढ़ाव को आपको समझाने वाला हूं।
इसलिए जो जल्दी वाले लोग होते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि धैर्य रखें और इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन थी, भगवान मेरी नैया, सिर्फ इतने में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वर देखिए किस तरह से ऊपर जा रहे हैं और किस तरह से नीचे आ रहे हैं, कि जो स्वरों की आवाज़ है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से पीछे आ रही है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से आवाज़ थोड़ी सी ऊँची होती है तो स्वर हमारा चेंज होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि स्वरों की आवाज़ को हम पकड़ें। ठीक है, देखिए देखिए फिर से मेरी फिंगर को देखिए और देखिए कि मेरी जो उंगली है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है और कब कब जा रही है, मेरी आवाज़ कितनी ऊँची हो रही है तो वो आगे जा रही है, या मेरी आवाज़ कितनी नीचे हो रही है तो पीछे आ रही है। इस चीज़ को ध्यान से गौर से देखिए। भगवान मेरी नैया, ला 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 ला। देखा आपने, देखिए सिंगल फिंगर से बजा के दिखा रहा हूँ, महसूस करिए। तो अगर आपने गौर किया हो तो जो पहला ही शब्द था भगवान, देखिए जब हम भगवान गा रहे हैं तो भग एक ही जगह पे है, फिर वान जैसी करेंगे ऊपर जाएंगे, मतलब थोड़ा आगे जाएंगे, वा फिर वापस न, तो ये चीज़ है हमारी जो आवाज़ है भग वा फिर वापस आई न, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जो हमारी आवाज़ है या जो सिंगर की आवाज़ है उसमें वेरिएशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, और ये चीज़ कोई हमें ढूंढनी नहीं पड़ती, कहीं छुपी हुई नहीं होती, ये हमें साफ साफ सुनाई देती है, बस हमें महसूस करना है। अब ये भगवान क्या हमें सुनाई नहीं दे रही कि आवाज़ थोड़ी सी ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई, बिल्कुल सुनाई दे रही है, मगर हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो छोटी सी चीज़ जो बहुत आसान सी चीज़ है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बस यहीं तो हम मार खाते हैं। कितनी सरलता के साथ सिंगर गा रहा है भगवान, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो सिंगर जिन शब्दों का उच्चारण कर रहा है गायकी के थ्रू, उन शब्दों के उच्चारण में जो आवाज़ है उसको आपको फील करना है, उसको महसूस करना है बस, आप और कुछ नहीं करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए मैंने एक जगह पर इतना टाइम लिया, एक चीज़ को इतने अच्छे समझाया ताकि जब हम आगे बढ़ें उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमें पूरे भजन को सीखना है। ठीक है, देखिए भगवान, इसको चाहे आप सा सा रे सा, इसको चाहे आप आकार में भी ला 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 ला, कैसे भी समझिए, किसी भी तरीके से समझिए, बस साउंड को समझना है आपको, कि साउंड कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, या कितना आगे बढ़ा या कितना पीछा है, या कहाँ पर रुका रहा। ठीक है, ये चीज़ समझते हुए चलनी है। इसी तरह से मेरी मेरी मेरी, देख रहे हैं आप, सारे, आवाज़ की ऊंचाई समझिए, सारे थोड़ी सी बड़ी, सारे मेरी भगवान मेरी, ये चीज़ भगवान मेरी। अब इसके बाद नैया, नैया आप देख रहे हैं, नैया, इस चीज पर ध्यान दीजिए आप, सारी गामा, चाहे तो आप कैसे भी, बस आप ये ध्यान दीजिए कि आवाज हमारी कहाँ से शुरू हुई है, बढ़ती हुई जा रही है, ठीक। तो ये जो लाइन का छोटा सा हिस्सा था, भगवान मेरी नैया, इतनी लाइन की अगर आपने स्वरों के उतार चढ़ाव को समझ लिया तो फिर आगे आपको समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो इतना हमने क्लियर कर लिया। भगवान मेरी नैया, इतना हमारा क्लियर हो गया। सा सा रे सा सा रे सा रे गा मा, ये चीज़। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आप अपनी मनमानी नहीं करेंगे कि लाइन सीखी, पहली लाइन सीखी और दूसरी लाइन की तरफ बढ़ गए। हाँ, जिनको सिर्फ ये भजन सीखने से मतलब है वो तो आगे बढ़ सकते हैं, मगर जो लोग मेरा बताया कोर्स कर रहे हैं, जो लोग उस वीडियो पर मेहनत कर रहे हैं जिसमें मुझे आपको हारमोनियम का मास्टर बनाना है, तो वो लोग प्लीज़ मेरे हिसाब से इस भजन को सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ भजन सिखाने के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ ट्यूटोरियल ही देना होता तो चार लाइन की ये प्रेयर थी और 5 मिनट में मैं इसे ख़त्म कर देता। और अगर मैं इस पर आप लोगों के लिए 20-25 मिनट लगाकर मेहनत करूँगा तो इसका मतलब है कि मुझे मेरी ज़िम्मेदारी मालूम है, तो फिर आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो।
खुद से गाने निकालने चाहते हैं तो अगर कुछ करने की चाह है तो आप भी जिम्मेदार बनिए। इस वीडियो को मेरा आप तक पहुंचाने का एक खास मकसद है। अभी फाइनल वीडियो के देने से पहले मैं कुछ खास चीज़ें आपसे करवाना चाहता हूं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत निखार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, हर लाइन को सीखने के साथ साथ समझना भी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें सरगम के सारे स्वर इस्तेमाल हुए हैं, जिसका फ़ायदा ये है कि हमें स्वर ज्ञान करने के लिए बहुत बढ़िया प्रेयर मिली है। और इस प्रेयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि ये प्रेयर हमारे रूटीन में शामिल हो जाएगी, और जब सारे स्वर हमारे रूटीन में शामिल हो जाएंगे तो भला स्वर ज्ञान होने से कौन रोक सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप कि जैसे मैंने आपको पहली लाइन बजानी सिखाई है वैसे लाइन को आप बजाना सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद उसी लाइन को आगे नहीं बढ़ना है, कहीं आप सोचो कि चलो बजानी आ गई, पहली लाइन मुझे आ गई, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, और आप सोचें कि बस ये आ गई मुझे, अब हम दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेयर का ट्यूटोरियल करने के लिए नहीं आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो अब आपको वही लाइन उसी लाइन को गाते हुए बजाना है, ठीक है। गाते हुए आवाज़ चाहे आपकी अच्छी हो या फिर भले ही फटा बाँस क्यों ना हो, आपको हर हाल में बटनों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हुए गाना है। भले ही कितना मिले या ना मिले उसकी परवाह आपको नहीं करनी है, बस आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से, ठीक है, जितनी हो सके गाते हुए अपनी आवाज़ को बटनों की आवाज़ के साथ मिलाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इस चीज़ की ट्रेनिंग मैं आपको पहले वीडियो में दे भी चुका हूँ, तो आपको गाने की कोशिश करनी है, और गाना बहुत स्लो चल रहा है इसलिए आपको दिक्कत भी नहीं होगी। गाते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बताया, आवाज़ चाहे आपकी फटे बाँस की हो या फिर कोयल सी तेरी बोली, मगर आपको गाना है। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत खास है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सुरों के साथ गाना है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। उसी लाइन को अब आपको सुरों के साथ गाना है। अब देखिए इस पहली लाइन में आपको क्या फ़ायदा होगा, इस पहली लाइन में आपको चार स्वर का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, चार स्वरों की आवाज़ या कहें चार बटनों की जो आवाज़ है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। और वो स्वर कौन कौन से हैं, पहली लाइन के सा रे गा मा, ये स्वर आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई ना तो समझो काम हो गया। और यकीन मानिए जब ये सिर्फ एक लाइन ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना अच्छे से, तो आपके अंदर खुद फील होने लगेगा कि यार कुछ तो मेरे अंदर घुस चुका है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आपको हल्का हल्का एहसास होने लगेगा कि हाँ यार अब शायद मैं गानों को थोड़ा बहुत खुद से निकाल सकता हूँ। ये फील आएगा आपको, भले ही आप ना निकाल पाएँ मगर निकालने का जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपके अंदर आ जाएगा। अगर वो आ गया तो आप समझ लेना कि आप कामयाब ज़रूर होगे, क्योंकि अब फिर आप पीछे नहीं हटोगे। और इसी प्रकार हर लाइन में मेहनत करनी है, और जब गाना पूरा हो जाएगा तो सरगम के सारे स्वर अच्छे से आपको रियाज हो जाएंगे, और फिर आपको रोज़ सुबह और शाम ये प्रेयर प्ले करनी है। वैसे भी प्रैक्टिस के लिए तो आप सुबह शाम हारमोनियम लेके बैठोगे ही, वीडियो की आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, जो चीज़ वीडियो में मैंने आपको बताई है उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो जब वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी उस प्रैक्टिस के बाद लास्ट में आपको ये प्रेयर गानी है और बजानी है, सुबह भी और शाम को भी। और गाने का तरीका क्या होगा, एक बार लाइन आपको शब्दों के साथ गाना है और एक बार आपको स्वरों के साथ, और चाहे तो एक बार आप आकार के साथ भी गा सकते हैं। और तरीका जो है वो मैं आपको कई बार वीडियो में बता ही चुका हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग भजन गाते हैं ना मंदिर की मंडली में बैठकर, आपने देखा ही होगा सुना ही होगा, हारमोनियम पर जो होता है वो एक बार लाइन को गाता है, फिर उसी लाइन को जो भक्तगण बैठे होते हैं आसपास वो भी उसी लाइन को दोहराते हैं। तो उन दोनों का काम आपको अकेले करना है, एक बार लाइन को गाने के रूप में गाना है और एक बार लाइन को स्वरों के रूप में गाना है, ठीक है। और हो सके तो एक बार आकार के रूप में भी उसको गा लीजिए और फिर अगली लाइन स्टार्ट करिए। चलिए अब अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, अगली लाइन सीखी जाए। अब इसके बाद है उस पार लगा देना, अब ये स्टार्ट होगा मा से, ठीक है, उस पार लगा देना, ये चीज़। तो क्या किया हमने, उस पार, ये चीज़ ला 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 ला, ठीक है, उतार चढ़ाव समझते जाइए, उस पार अब लगा देना। ये हमने कहाँ से शुरू किया, गा से, गा रे सा रे गा गा, गा रे सा रे गा गा, ला 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 ला, ठीक। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई आपकी, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब इसके बाद लाइन है
अब तक तो निभाया है। अब देखिए यहाँ पर हमने मंद्र सप्तक में भी आ गए, यहाँ नी इस्तेमाल कर लिया हमने, ठीक है। अभी हम मध्य सप्तक में थे, अब आप देखेंगे कि हमने मंद्र सप्तक का नी भी इस्तेमाल कर लिया। देखिए अब तक तो निभाया है, क्या किया हमने, सा सा रे रे सा सा रे सा नी, ठीक। तो ये लाइन भी क्लियर हो गई, अब तक तो निभाया है। ठीक, और इसके बाद है आगे भी निभा देना। तो ये लाइन हमारी शुरू होगी मंद सप्तक के नी से, आगे भी निभा देना। और कॉर्ड कौन सा लगेगा, सा ग पा, सी शार्प मेजर। ठीक, नी सा सा रे रे सा ग रे सा नी सा सा रे रे सा ग रे सा। अब इसके बाद लाइन है हम दीन दुखी निर्बल, ये स्टार्ट होगी पा से। देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं आपको। लाइनों को मैंने थोड़ा इजी कर दिया है, नोटेशन इस लाइन में और भी है मगर मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लाइनों को मैंने बहुत सरल और कम नोट्स के साथ सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो लाइन अब हम सीखने जा रहे हैं ये हमें तार सप्तक के सुरों को भी फील करवाएगी। अब हम तार सप्तक के सुरों को भी समझ पाएंगे। यही चीज़ मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इसमें सातों सुरों का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ तीनों सप्तक का भी, बहुत कम गानों में ऐसा देखने को मिलता है। अब आप इस लाइन को भी बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, मेरी उंगली को देखते जाइए कि मेरी उंगली कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है, और जिस बटन पर बढ़ती जा रही है उस बटन की आवाज़ भी आप महसूस करिए कि वो आवाज़ कितनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। उंगली के हिसाब से आवाज़ को आप बिल्कुल कैलकुलेट करिए। देखिए अब एक बार सिंगल फिंगर से भी देखिए, ज्यादा उंगलियों से एकदम समझ में नहीं आ पाता, अब एक बार सिंगल फिंगर से देखिए बहुत ध्यान से। तो देखा आपने, पहले पा फिर धा से सीधा तार सप्तक का सा, फिर तार सप्तक के सा से तार सप्तक का रे, फिर तार सप्तक के रे से फिर तार सप्तक का गा, फिर आपने ध्यान दिया कि गा से फिर वापस आया रे पर, फिर वापस आया सा पर। फिर से देखिए, ध्यान दिया आपने। तो ये चीज होती है, तो जब तक हम आवाज को महसूस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आवाज जो है बढ़ रही है या रुक गई या घट रही है, ठीक है। तो आवाज को महसूस करना है, इसीलिए शुरू में मैंने आपको बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया था, भगवान। एक शब्द के चार अक्षर पर मैंने वो आपको उदाहरण दिया था और चार अक्षर के साथ चार स्वर भी थे उसमें, सा सा रे सा, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपको उदाहरण दिया था मैंने, अगर आपने बहुत ध्यान से उस चीज को समझा होगा तो आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई, हम दीन दुखी निर्बल। तो अगली लाइन है नित्य नाम रहे प्रतिपल, जो कि स्टार्ट होगी माँ से, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए नित नाम रहे प्रतिपल, ठीक। और इसके बाद छोटा सा लाप आता है, हो जी हो 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 हो, इस तरीके से। क्या किया, इसमें भी मैंने नोटेशन थोड़े कम कर दिए, सरल कर दिया आपके लिए। तो कैसे बजेगा, ठीक। तो स्वर क्या थे इसमें, पाधा सा
देखिए कैसे जा रहा है, पासे फिर धा फिर सा, ध्यान से देखिए, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे, ठीक। अब जो अगली लाइन है वो है, ये सोच दरस दोगे, तो स्वर क्या थे इसमें, गामा मा पापा, अब पापा धा, अब धासानी, अब धापा, इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद लाइन है, प्रभु आज नहीं तो कल, ये हम शुरू करेंगे चौथी गाली से, पा से, देखिए, देखिए प्रभु आज, देखिए आज में देखिए धा से सीधा रे पर गया है तार सप्तक के, पहले प्रभु, अब धा और रे के बीच का अंतर देखिए, देखा आपने, प्रभु में देखिए पा और धा के बीच कितना अंतर है, अब धा और रे के बीच में देखिए, आज जब हम बजाएंगे तो धा और तार सप्तक के रे के बीच का अंतर देखिए, ये चीज ध्यान रखिए, देखिए फिर से देखिए, प्रभु आज, ये चीज, प्रभु आज नहीं तो कल, ठीक है। अब अगली जो लाइन है वो है, जो बाग लगाया है, इसको देखिए गा से हम शुरू करेंगे, इस लाइन में आप एक चीज देखेंगे कि हमने नी जो है वो कोमल भी इस्तेमाल कर लिया, अभी तक हमने शुद्ध इस्तेमाल करा था, अब इस लाइन में जो नी है वो कोमल भी इस्तेमाल हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, जो बाग यहां पर इस्तेमाल हो गया, ठीक, तो जो बाग लगाया है के लिए तीन नोट है, पा मागा है, ऐसे, जो बाग लगाया है, ठीक। अब अगली लाइन है, फूलों से सजा देना, और इसे हम प्ले करेंगे पहली काली से, कॉर्ड लगा देंगे सागा पा, क्या किया हमने यहां पर, फूलों से सारे रे मामा, अब सजा देना, क्या किया, फूलों से सजा देना, ला 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 ला, कॉर्ड लगा देंगे सागा पा, और बस उसके बाद वही रिपीट करेंगे शुरू वाली लाइन, भगवान मेरी नैया, तो इस तरह से हर लाइन को आपको गाना है, ठीक है। और यकीन मानिए यही प्रेयर आपके अंदर कुछ ही दिनों में जादू कर देगी, यह समझ लेना कि आपके ईश्वर ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, और इस प्रेयर को आप ईश्वर के किसी भी रूप में ले सकते हैं, आपका मन करे तो आप, सावन चल रहा है तो भोलेनाथ के रूप में भी इसको गा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी गा सकते हैं, भोलेनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, कैसे देखिए, भोलेनाथ मेरी नैया, ठीक है, और सोरों में तो आपको वैसे ही गाना है, बाकी आप ईश्वर का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ए कृष्ण मेरी नैया, और देखिए साईं बाबा मेरी नैया, कुछ भी आप कर सकते हैं, जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिन पर भी आपकी आस्था हो, उनका आप नाम लेके गा सकते हैं,
माता रानी मेरी नैया, है ना। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो आप उनका नाम ले सकते हैं। आप चाहें तो आप यीशु जी कह सकते हैं, चाहें तो वाहेगुरु जी कह सकते हैं, और चाहें तो अल्लाह मेरी कश्ती, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, ये संगीत है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबके ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक तो आपने पहले ही कर दिया होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपकी भी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।